बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहरबास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए लेकर आता हूं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास, इसके अलावा फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स और स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा तमाम लेक्चर्स की वीडियो। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, इसका हमने यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स शुरू किया हुआ है, उसकी पहली 3 एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं। अब साथ सेकंड पोर्शन जो है ट्रिग्नोमेट्री वाला, जिसमें से पेपर का 40% होता है, वो शुरू करने जा रहे हैं ताकि दोनों पोर्शंस साथ साथ चलते रहें और टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो यूनिट नंबर 9 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का पहला यूनिट है, ट्रिग्नोमेट्री पर एक वीडियो मेरी पहले आ चुकी है जिसके अंदर डेफिनेशंस और कुछ फार्मूलाज मैंने बता दिए थे। अब उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, उस वीडियो को रिव्यू कर दिया जाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट टर्म जो कि यूनिट नंबर 9 से जुड़ी हुई है, वो है एंगल। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ फौरन सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा वीडियोज़ को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और आपके फ्रेंड्स का फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं पहली डेफिनेशन जो ट्रिग्नोमेट्री के यूनिट नंबर 9 के शुरू में ही है कि एंगल क्या होता है। सामने डायग्राम बनी हुई है, उसके अंदर आपको दो वर्टिसेस नज़र आ रही हैं, उसके अंदर आपको दो साइड्स नज़र आ रही हैं, ओ से लेके एक ही तरफ। इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, जो हमेशा लॉन्ग एक्स एक्सिस होती है और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। उस पर एक और रे है, एक और साइड है जो कि कुछ एंगल बना रही है, इसको टर्मिनल साइड बोलते हैं। तो एंगल की डेफिनेशन सुनिएगा, एंगल इज़ डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन क्लीनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट। कहते हैं दो रेज हों नॉन क्लीनियर, नॉन क्लीनियर का मतलब है वो पैरेलल ना हो, तो जब उनको पीछे रिप्रोड्यूस किया जाएगा तो वो एक पॉइंट पे मिलती हैं। ये पॉइंट उनका यूनियन आ रहा है, यहाँ डायग्राम के अंदर ये पॉइंट ओ है। ओ से लेके ए तक इनिशियल साइड है, ओ से लेके बी तक टर्मिनल साइड है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों साइड्स आके मिलती हैं वो इनका यूनियन है और वहाँ बनने वाला एंगल आपको दिखा दिया गया है। तो जब टू नॉन क्लीनियर रेज का यूनियन होता है तो वो मिलके एंगल बनाती हैं और जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स का नाम देते हैं। तो डायग्राम के अंदर ओ वर्टेक्स है, ओ ए इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म कहेंगे या इनिशियल साइड, और ओ बी टर्मिनल साइड या टर्मिनल आर्म है। एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन क्लीनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट। ओ कॉमन एंड पॉइंट है, द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल, द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स, वो ओ है ऑफ द एंगल। व्हेन वी फॉर्म एन एंगल द ओरिजिनल पोजिशन ऑफ द रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड। नीचे भी दो डायग्राम्स बनी हुई हैं, ओ ए इनिशियल साइड है, नीचे भी ओ ए इनिशियल साइड है और ओ बी टर्मिनल साइड है, ओ बी टर्मिनल साइड है।
और ऊपर वा इस डायग्राम के अंदर टर्मिनल साइड रोटेट कर रही है, चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस सूरत में एंगल को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल का नाम देते हैं। अगर टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हो तो एंगल को नेगेटिव एंगल का नाम देते हैं। तो क्या है, ओ ए इनिशियल साइड है और ओ बी टर्मिनल साइड है। इधर डायग्राम के अंदर और इधर इनिशियल साइड के बारे में बता दिया गया है, टर्मिनल साइड के बारे में भी आपको बताते हैं। तो डायग्राम के अंदर जो ओ बी है, तीनों डायग्राम्स के अंदर जो पेज वन पे बनी हुई हैं, ओ बी क्या है, टर्मिनल साइड है और ये एंगल की टर्मिनल साइड कहलाती है। अब एंगल को मेजर करने के लिए कोई ना कोई प्रॉपर यूनिट होना चाहिए और यहाँ हमारा जो प्रॉपर यूनिट है जिसको पहले हम डिफाइन करेंगे वो है डिग्री। तो पहले सामने डायग्राम देख लें, एक सर्कल बना हुआ है जिसको चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया गया है। ये कार्टेशियन प्लेन पर सर्कल बना हुआ है और कार्टेशियन प्लेन चार इक्वल हिस्सों में डिवाइड होता है। इन हर एक हिस्से को, हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा, पाओ भी बोलते हैं मासेस के लिए। तो पहला क्वाड्रेंट 90, दूसरा 90, तीसरा भी 90 और चौथा भी 90 है। तो चारों 90 एंगल्स मिलके 360 डिग्री बनाते हैं। तो सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को 90 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसी तरह सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी 90 इक्वल हिस्सों में जब डिवाइड हो जाएंगे तो ये जो इसका सर्कल का सरकमफेरेंस है वो 360 इक्वल हिस्सों में, 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड हो जाता है। एक जो आर्क है सेंटर पर जो वो एंगल बनाती है उस एंगल को 1 डिग्री का नाम दिया जाता है। अब इधर आ जाए, व्हेन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल आर्क्स द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय 1 आर्क इज कॉल्ड डिग्री एंड इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। अब इसके छोटे और बड़े यूनिट्स, ये लिखा हुआ है 60 सेकंड। जिस तरह 60 सेकंड एक मिनट टाइम में बनाते हैं उसी तरह एंगल के अंदर भी 60 सेकंड एक मिनट बनाते हैं, लिख दिया। और 60 मिनट एक डिग्री बनाते हैं और एक 90 डिग्री जो है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड और थर्ड में है इसको बोलते हैं राइट एंगल। तो आप देख रहे हैं सर्कल के अंदर चार 90 डिग्रीज हैं, इसका मतलब है सर्कल के टोटल चार राइट एंगल्स बनते हैं। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 4 × 4 राइट एंगल्स, 4 × 90 एंड एन एंगल ऑफ 360 डिनोट्स अ कंप्लीट। तो ये जो टोटल एंगल बनता है 360 एक कंप्लीट सर्कल या कंप्लीट रेवोल्यूशन बनाता है। तो हम कह सकते हैं फिर 360 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन जी। तो डिग्री एंगल की मेजरमेंट का छोटा यूनिट, उससे छोटा यूनिट मिनट, उससे छोटा सेकंड। लेकिन डिग्री से बड़ा एक और यूनिट भी है जो प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होता है। सामने डायग्राम बनी हुई आपको नजर आ रही है, ओ ए सर्कल का रेडियस है और ओ पी भी सर्कल का रेडियस है। आप देख रहे हैं कि ए से पी तक जो आर्क है उसको ग्रीन कलर कर दिया गया है। जब ये वाली जो आर्क है ए से पी तक इसकी लेंथ रेडियस के इक्वल जो कि ओ ए या ओ पी है इक्वल होती है तो फिर जो इस आर्क के सामने सेंटर पर एंगल बनता है उसको बोलते हैं 1 रेडियन या रेडियन। तो सुन ले, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, एक आर्क जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाती है, हुज लेंथ इज इक्वल टू, यानी उस आर्क की लेंथ जो कि ए पी है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। तो सादा लफ्जों में सुन लें, जब सर्कल बनाया गया हो, सर्कल का रेडियस और सर्कल पर जो दो मौजूद पॉइंट्स हों उनके दरमियान जो आर्क होती है उनकी लेंथ इक्वल हो तो फिर एंगल सेंटर पे उस आर्क के सामने बनने वाला एंगल क्या होता है, रेडियन कहलाता है। अब डिग्री के बारे में हमने पढ़ लिया, रेडियन के बारे में पढ़ लिया, तो अब क्या करते हैं, दोनों के दरमियान हम रिलेशन जोड़ते हैं। तो वी नो दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई
रेडियन के इक्वल होता है दोनों तरफ 360 पे डिवाइड कर दिया। तो जब 360 को 360 पे डिवाइड किया तो ये 1 डिग्री आ गया, दूसरी तरफ 2 पाई को भी 360 पे डिवाइड किया, कैंसिल करेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन हो जाता है। जब इसको मजीद डिवाइड करते हैं, जिसकी ज़रूरत न्यूमेरिकल्स के अंदर वो क्वेश्चंस के अंदर एक्सरसाइज में पढ़ सकती है, तो पाई की वैल्यू होती है 3.142, उसको जब 180 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.0175 रेडियन, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। इसी तरह अब ये तो 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड की, इसी तरह 1 रेडियन की वैल्यू, तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 पाई उधर जाके राइट साइड पे डिवाइड करेगा, 1 रेडियन 360 डिग्री ओवर 2 पाई, 2 जो है 360 से कैंसिल होगा तो 180 डिग्री ओवर पाई, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। जब इसको डिवाइड कर देते हैं तो फिर हमारे पास पॉइंट के अंदर वैल्यू आ जाती है, आपकी मर्जी है ये लिख लें या पॉइंट वाली वैल्यू लिख लें, वो आपकी मर्जी होती है। तो अब एक और प्रूफ एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रूव दैट। तो वो उस प्रूफ की तरफ चलते हैं और हम फार्मूला एक प्रूव करते हैं। प्रूव दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन, यानी थीटा की पैमाइश किस में होनी चाहिए, रेडियन में होनी चाहिए। पहले सामने बनी हुई डायग्राम को समझ लें, एक सर्कल है विद सेंटर ओ है, इस पर हमें तीन सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर तीन पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ए है, बी है और सी है। जो ए से लेके बी तक आर्क लेंथ है उसको हमने एल से डिनोट कर दिया, जो ए से सी तक है उसको हमने आर कहा। इसका मतलब है ये ए जो ए से सी तक आर्क लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है, आर जो लिख दिया हमने, तो ये इसका मतलब है ए से सी तक जो आर्क है सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन होगा, क्योंकि अभी अभी हमने कहा है कि जब आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो तो आर्क जो सेंटर पे सर्कल बनाती है वो 1 रेडियन होता है। तो ये 1 रेडियन हो गया। ए से बी तक जो आर्क है जिसकी लेंथ को एल कहा, वो भी सेंटर पे एंगल बनाती है, उस एंगल को हमने थीटा रेडियन का नाम दे दिया। तो आप आ जाएं थ्योरी की तरफ, कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज एल एंड सेंट्रल एंगल इज मेजर एंगल ए ओ बी, यानी ये जो आर्क ए बी या एल सेंटर पे एंगल बनाती है ना, ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन। तो टेक आर्क ए सी, ए सी आर्क है, इसकी लेंथ कितनी है, आर के इक्वल है, तो डेफिनेशन क्या कहती है फिर, मेजर एंगल ए ओ सी 1 रेडियन होगा, क्योंकि आर्क की लेंथ यानी ए सी की लेंथ और ओ सी या ओ ए या ओ बी जो रेडियस है ये इक्वल हैं, तो फिर सेंटर पे बनने वाला एंगल 1 रेडियन। तो डेफिनेशन के मुताबिक एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो फ्रॉम द ज्योमेट्री वी मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल, यानी ज्योमेट्री से रेशो होती है एंगल के दरमियान और जो आर्क्स हैं उनके दरमियान एक रेशो होती है। सो फ्रॉम ज्योमेट्री द मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क्स ऑफ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ्स ऑफ देयर आर्क्स, यानी जो सेंटर पे एंगल बनते हैं और जो उनकी मुतलका आर्क्स का इनमें प्रोपोर्शन होता है। तो हमने क्या लिख दिया फिर, एंगल पहले एंगल कौन सा, ए ओ बी, ये आर्क है ए ओ बी, इसके सामने इसका मुतलका एंगल लिखेंगे, मुतलका इसकी आर्क लिखेंगे, क्या लिखा, मेजर एंगल ए ओ बी, दूसरी साइड पे आर्क ए बी, फिर एंगल क्या है ए ओ सी ओवर में और ओवर में आर्क ए सी, या यूं कह लें पहले रेशो बना लें एंगल्स की और फिर आर्क्स की, मेजर एंगल ए ओ बी रेशो मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू आर्क ए बी ओवर आर्क ए सी। तो यही कुछ हमने लिख दिया इधर, मेजर एंगल ए ओ बी ओवर मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर आर्क ए बी ओवर मेजर आर्क ए सी। तो मेजर एंगल ए ओ बी क्या है, थीटा रेडियन है, नज़र आ रहा है, और मेजर एंगल ए ओ सी क्या है, 1 रेडियन है, आर्क ए बी की लेंथ एल है और आर्क ए सी की लेंथ आर है, रेडियन से रेडियन काट गया, थीटा ओवर 1 थीटा ही आ जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, एल अपनी जगह पे रहेगा
थीटा इधर जो है आर जो है इधर आके थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। जबकि थीटा की पैमाइश किस में की जाती है रेडियन में, तो हमने प्रूव कर दिया कि एल इज इक्वल टू आर थीटा है और थीटा की मेजरमेंट रेडियन में की जाएगी जी। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 की तरफ और आधे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर करते हैं और आगे आधे आगे कर दिए जाएंगे एक नई वीडियो की सूरत में। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस इन रेडियंस, एंगल्स डिग्री में दे दिए गए हैं, इसको रेडियन में जाहिर करना है। तो कुल 5 पार्ट्स थे, 3 सेलेक्ट किए हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला एंगल है और छठा पार्ट है 105 डिग्री, डिग्री को चेंज करना है रेडियन में। 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन, ये भी लिख सकते हैं और पाई ओवर 180 भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ 105 से मल्टीप्लाई कर दिया, 105 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री, दूसरी तरफ भी 105 से मल्टी, तो ये किसके इक्वल था, ये मैंने ही अभी बताया था एक्सरसाइज से पहले के क्या है पाई ओवर 180 इक्वल होता है 0.175 के, वो लिख दिया। इसकी जगह पाई ओवर 180 लिख भी लिख सकते हैं। तो 105 डिग्री इज इक्वल टू 105 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180। मेरे ख्याल में भी ये पाई ओवर 180 इस्तेमाल करना ज़्यादा बेस्ट है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, जहाँ कैंसिल हो जाते हैं 105 और 180 कैंसिल हो जाते हैं, 15 पे कैंसिल होते हैं, 15 7 दा 105 और 15 1 दा 15, 15 2 दा 30। तो 105 डिग्री कितना आ जाता है 7 पाई ओवर 12 रेडियन आ जाता है। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 12 है 75 डिग्री 6 मिनट और 30 सेकंड्स हैं। तो यहाँ ये है कि सबसे पहले ये जो डिग्री है वो तो डिग्री रहेगी, मिनट और सेकंड को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, फिर इसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो 75 उसी तरह लिख दिया, 6 मिनट को 60 पे डिवाइड किया तो ये भी क्या बन गया डिग्री, और 30 सेकंड को 3600 पे डिवाइड किया तो ये भी क्या बन जाएगा डिग्री। हमने इसको सिंपल कर लिया, 75 डिग्री 6 को 60 पे डिवाइड करें तो 0.1 आ गया, और 30 को 3600 पे डिवाइड करें तो 0.0083 आ गया। इन सब को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 75.1083 डिग्री। 1 डिग्री किसके इक्वल है 0.0175 रेडियन। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है, 75.1083 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो 75.1083 डिग्री कितना आ जाता है 1.3144 रेडियन आ जाता है। आप अगर इसको चेंज करना चाहें पाई की सूरत में तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, आप यहां पाई ओवर 180 लिख दें, फिर दोनों तरफ 75.108 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पाई की सूरत में भी आ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर ये आंसर ज़्यादा सूट करेगा। अब हम इसी क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, ये वो पार्ट है जो इम्तहान के अंदर 2 नंबर के लिए आता है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है जी 3 सेकंड्स, तो सबसे पहले 3 सेकंड्स को डिग्री में चेंज करें, 3 डिवाइडेड बाय 3600 डिग्री बन गए, इसको थोड़ा सा सिंपल किया तो ये 1/1200 डिग्री आ गया। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन, दोनों तरफ 1/1200 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद हमारा आंसर रेडियन में आ जाएगा, वो अगले पेज पे सॉल्व करते हैं जी। तो लेफ्ट साइड पे 1/1200 डिग्री, दूसरी तरफ ऊपर पाई रह गया, जब नीचे मल्टीप्लीकेशन की तो हमारे पास आ जाता है 216 और 3 जीरोज आ जाती हैं, इतने रेडियन के इक्वल है और यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसके अंदर उसने कहा कन्वर्ट इनटू मेजर्स ऑफ सेक्साजेसिमल, यानी अब रेडियन दे दिया गया है आपने, उसको डिग्री में मिनट में और सेकंड में चेंज करना है। तो इसके भी 5 पार्ट थे, हमने 3 पार्ट या 2 पार्ट सेलेक्ट किए हैं और उनको सॉल्व किया है। तो 2 पार्ट काफ़ी हैं, मज़ीद देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो सॉल्व कर देंगे वरना रहने देंगे। तो 3 पार्ट तो 5 में से ज़रूर करेंगे। तो पार्ट नंबर 8 है 5 पाई ओवर 6 रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो 1 रेडियन अभी हम किसके इक्वल करके हैं 180 डिग्री ओवर पाई, दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 पाई ओवर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी किया राइट साइड पे भी किया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 और
18 कैंसिल हुए तो ये 30 आ जाएगा, ऊपर 5 रह गया और 30 रह गया। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 150 डिग्री, तो क्या है 5 पाई ओवर 6 रेडियन 150 डिग्री के इक्वल है। एक और पार्ट जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है क्वेश्चन नंबर 2 से, वो है पार्ट नंबर 12, 13 पाई ओवर 16 को किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो 1 रेडियन किसके इक्वल, 180 डिग्री ओवर पाई रेडियन, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, 13 पाई ओवर 16 से, लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई कर दिया राइट पे भी, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 16 और 184 पर कैंसिल होते हैं, तो 13 ओवर 4 आ गया, और जब 180 को 4 पे डिवाइड किया तो ये 45। अब 13 को 45 से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड किया ना, तो 13 ओवर 16 पाई रेडियन इज इक्वल टू 146.25 डिग्री आ जाता है। अब ये जो पॉइंट में डिग्री आया है इसको हम चेंज करते हैं जी मिनट्स के अंदर, तो राइट हैंड साइड देखें 146 डिग्री, उसी तरह 0.25 जो डिग्री है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट्स बन जाएंगे, लेफ्ट साइड उसी तरह, तो राइट साइड पे 146 डिग्री उसी तरह, 0.25 को जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया है 15 मिनट। तो इस तरह 13 पाई ओवर 16 रेडियन इक्वल है 146 डिग्री 15 मिनट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब तीसरा पार्ट भी इसका सॉल्व करते हैं जी, तो तीसरा पार्ट जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है और रेडियन में है, उसको डिग्री में लेके जाना है। 19 पाई ओवर 32 रेडियन है, फार्मूला क्या है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई, दोनों तरफ 19 पाई ओवर 32 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई से पाई कैंसिल, ये जो 32 है और 180 है ये 4 पे कैंसिल हो गया, 4 8 द 32 और 4 4 द 16 2 और 4 5 द 20, तो 45 आ गया। इधर लेफ्ट साइड पे 19 पाई ओवर 32 रेडियन आ गया, अब 19 को 45 से मल्टीप्लाई किया और 8 पे डिवाइड किया, हमारे पास कितना आ गया 106.875 डिग्री। तो लेफ्ट साइड पे तो 19 पाई ओवर 32 रेडियन ही चलता रहेगा, राइट साइड को सॉल्व करते हैं, 106 डिग्री लिख दिया और ये जो 0.875 है इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट बन गए, तो 106 डिग्री आगे आ जाता है 52.5 आ जाता है, तो 52 मिनट बन गया, जो 0.5 आया इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाते हैं, ये सेकंड्स बन जाते हैं, तो हमारे पास आ गया 106 डिग्री 52 मिनट एंड 30 सेकंड, यानी जब 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड बने, और कितने सेकंड हैं, ये 30 सेकंड हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आ जाता है, बहुत ईजी। तो आपको प्यारी सी डायग्राम सर्कल की बनी हुई, सर्कल नहीं है बल्कि क्लॉक की बनी हुई डायग्राम नज़र आ रही होगी। अगर ये आपको डायग्राम प्यारी लगे तो वीडियोस को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि इस तरह के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिए जाएं। तो क्वेश्चन कुछ यूं है, थ्री व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 4 o'clock। कहता है 4 बज गए तो घड़ी की सुइयां क्लॉक की सुइयां जहां जहां हैं उनके दरमियान एंगल मेजर करो, तो पक्की बात है 4 o'clock है, तो जो आर्स वाली सुई है घंटों वाली वो तो 4 पे होगी, और मिनट्स वाली सुई है जो वो 12 पे होगी, तो कितने बजे हैं, 4 o'clock हैं, तो टोटल एंगल कितना होता है एक पूरे सर्कल का, पूरा डायल है जितने 12 पार्ट्स बने हुए हैं, 12 नंबर्स लगे हुए हैं, लेकिन टोटल एंगल चूंकि एक पूरा सर्कल है 360 डिग्री है, तो हमने क्या कह दिया, टोटल एंगल ऑफ क्लॉक 360 डिग्री, एंगल एट 4 o'clock, 4 पार्ट्स और टोटल कितने पार्ट्स हैं 12, तो 4/12 मल्टीप्लाइड बाय टोटल एंगल, कैंसिल किया तो 120 डिग्री आ गया है, कितना एंगल आ गया 120 डिग्री। आज अब इस डिग्री को हमने चेंज करना है रेडियन में, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 रेडियन, तो 120 डिग्री फाइंड करना है, दोनों तरफ 120 से मल्टीप्लाई कर दिया, 120 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180, 0 से 0 कैंसिल,
सिक्स टू द 12 और सिक्स थ्री द 18, तो 120 डिग्री इक्वल हो जाता है 2π/3 रेडियन। तो क्या है, जब 4 o'clock होते हैं, 4 बजते हैं, तो 12 से लेके 4 तक जो सुइयां दोनों खड़ी हुई हैं इनके दरमियान वाला एंगल 120 डिग्री और 2π/3 रेडियन होता है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। फार्मूला वही, एल इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, अगर ज़रूरत पड़े तो। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में कहता है फाइंड थीटा व्हेन, थीटा को फाइंड करना है, एक ही पार्ट है, पार्ट नंबर 1 जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो फाइंड क्या करना है थीटा। फार्मूला हमारा क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा अपनी जगह पे रह गया, आर जाके एल को डिवाइड कर गया, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, थीटा उसी तरह लिखा, एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.5 लिख दी और आर की वैल्यू 2.5 है, 1.5 को जब 2.5 पे डिवाइड करते हैं तो थीटा हमारे पास आ जाता है 0.6 रेडियन, और यही इसका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया करते हैं, यानी 2 नंबर के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड एल व्हेन थीटा एंड आर आर गिवन, तो पहला पार्ट है थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन और आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये तो बहुत आसान है, सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल फाइंड करना है, आर की वैल्यू 6 है लिख दी और थीटा कितना है पाई है, तो 6π आ गया, 6 उसी तरह पाई की वैल्यू 3.142 है, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एल इज इक्वल टू 18.85 सेंटीमीटर आ जाता है। सेंटीमीटर इसलिए लिखा कि रेडियस सेंटीमीटर में था। अब इसी क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है, वो कुछ इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट था। पार्ट नंबर 2 में कहता है एल फाइंड करो, थीटा 65° और 20' है, जबकि रेडियस है 18 मिलीमीटर। तो असल यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो आ गया ना थीटा डिग्री और मिनट में, इसको रेडियन में चेंज करना है, तो डायरेक्ट चेंज करते हैं, 65 डिग्री उसी तरह, 20 मिनट है 60 पे डिवाइड किया तो ये डिग्री बन गया, और रेडियन में चेंज करने के लिए पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व किया तो 65 प्लस ये कितना आएगा, 20 को 60 पे डिवाइड करने से 0.333, इनको ऐड किया डिवाइड करने के बाद तो 65.33 इतने डिग्री, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई ओवर 180 कितना है 0.0175, ये भी मैंने बताया था इतने रेडियन, जब इन सब को मल्टीप्लाई किया है तो थीटा इज इक्वल टू 1.143 रेडियन, और यही हमारा इसका आंसर है। अब चलते हैं जी, ना सॉरी, ये तो अभी थीटा आया, थीटा इन रेडियन निकला है, तो हमने तो एल फाइंड करना है, तो फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर कितना था 18 लिखा और थीटा 1.143, इनको मल्टीप्लाई किया तो एल इज इक्वल टू 20.57 मिलीमीटर, और यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका एक पार्ट स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, और ये आज की वीडियो का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है, कहता है आर फाइंड करो, एल 5 सेंटीमीटर और थीटा है 1/2 रेडियन, तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे बच्चों, एल इज इक्वल टू आर थीटा और आर अपनी जगह पे थीटा आके एल को डिवाइड कर गया, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा, एल कितना है 5 है और थीटा क्या कर रहा है, एल को डिवाइड कर रहा है, हमने डिवीजन में लिख दिया ताकि बटे में रकम जो है नीचे की तरफ ना फैले, तो 5 / थीटा, थीटा है 1/2। अब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो एल इज इक्वल टू 5, ये 1/2 था, 2/1 हो जाएगा, फिर 1 लिखा ही नहीं जाता, एल इज इक्वल टू 5 × 2 और एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है बच्चों। आइंदा मिलेंगे इस एक्सरसाइज की दूसरी वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।